पब्लिक टीवी आपकी आवाज। भारतीय जनता पार्टी द्वारा गोविंद नगर स्थित सुनील सक्सेना के निवास पर एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में सरकार की नीतियों पर चर्चा की गई और चुनाव प्रचार की रणनीति तैयार की गई। बैठक को संबोधित करते हुए विभाग के संयोजक मेजर विनोद पुरी ने बताया कि पार्टी के कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों की समस्या जानेंगे और उनकी समस्या निवारण भी करेंगे। बैठक को सफल बनाने में मंडल अध्यक्ष अरविंद सिंह, पार्षद कुलदीप नारायण सिंह, मेजर विनोद पुरी, सुनील सक्सेना, विजय सैनी, राजेश सूर्या, चंद्रभान सिंह आदि पार्टी के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। जिंदगी आज तुझे कातिल के हवाले कर दो, जिंदगी आज तुझे कातिल के हवाले कर दो कि मुझसे अब खूने तमन्ना नहीं देखा जाता। दर्द दिल की तमन्ना मुझे मंजूर है, लेकिन उनका उतरा हुआ चेहरा नहीं देखा जाता। आज पूरा प्रदेश एक ऐसे गरीब की तरफ देख रहा है, पूरा हिंदुस्तान एक ऐसे आदमी की तरफ देख रहा है जिसने चाय बेचने का काम किया, जिसने अपना घर त्याग दिया, जिसने अपने बचपन को पार्टी के समर्पित कर दिया, जिसने जन जन तक अपना संघर्ष पहुंचाया। ये हमारा बीड़ा है, यही हमारी जो हमने जो कसम खाई है, हमने यही कसम खाई है कि हमने आने वाले 2019 के जो चुनाव है उसमें प्रधानमंत्री जी को उन्हीं की कुर्सी पर दोबारा से आसीन करेंगे, उसी पर बैठा करके हम उन्हें सुशोभित करेंगे। और जो उन्होंने अपने जीवन का जो उन्होंने अपना समर्पण किया है पूरे देश को, उस समर्पण की जो भावना है उससे उन्हें हम उस कुर्सी को देकर के उसे सुसज्जित करने का काम कर रहे हैं।